हम सबने बचपन में कहानी सुनी थी कि अगर चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो एक छोटी सी चींटी एक बहुत बड़े हाथी का जीना आराम कर सकती है और हाथी की जान ले सकती है। पर अगर बात की जाए हाथी की, जो चमड़ी होती है वो काफी मोटी होती है, तो क्या रियलिटी में चींटी हाथी को काट सकती है या फिर सदियों से हम किसी गलत फैमिली में चल रहे हैं। दोस्तों कुछ नई जानकारी देने जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हाथी की आंखें काफी कमजोर होती है और ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती, इसलिए हाथी चलते समय अपनी सूंड में हवा छोड़ते रहते हैं और रास्ते का अंदाजा लेते हैं। अगर हाथी की बाहरी चमड़ी की बात की जाए तो इतनी मोटी होती है कि चींटी तो छोड़िए, अगर बहुत बड़े जानवर की बात की जाए तो हाथी की स्किन के ऊपर स्क्रैच भी नहीं मार सकते। और हाथी के कानों के अंदर की या फिर सुनने के अंदर की स्किन की बात करें तो वो काफी कोमल होती है। और ऐसी केवल चींटी ही नहीं बल्कि मच्छर, मधुमक्खी या अन्य कोई कीड़ा भी घुस जाए तो भी हाथी की बुरी हालत हो सकती है।